हेलो दोस्तों, आपके लिए आ चुकी है बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपनी बैटरी को खुद सेट कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी कितने दिन चलने वाली है, 4 दिन चलने वाली है या 5 दिन चलने वाली है। आप जितने दिन अपने फ़ोन की बैटरी को चलाना चाहते हैं 100% चार्ज कीजिए, उसके बाद वहाँ पर टाइमर सेट कर दीजिए। उससे पहले आपकी बैटरी बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। आपके फ़ोन की बैटरी बहुत कम चलती है, बल्कि एक दिन भी आपके फ़ोन की बैटरी नहीं चलती। आप 100% सुबह चार्ज करते हैं और शाम तक आपको 2-3 बार उसको चार्ज करना होता है, एक दिन भी आपके फ़ोन की बैटरी नहीं चलती। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें से आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपने फ़ोन की बैटरी को आप सेव कर सकते हैं और साथ में आप उसको सेट भी कर सकते हैं। आप उसको कितने दिन चलाना चाहते हैं, 3 दिन चलाना चाहते हैं, 4 दिन चलाना चाहते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपके वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है और पसंद आने वाली है। इसलिए दोस्तों आपसे एक चीज़ चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। साथ में क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना है। हमारी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी, कोई भी हम ट्रिक बताएंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और दोस्तों आप नई नई ट्रिक सीख सकेंगे। इसके बाद क्या करना है, कमेंट कर देनी है आपको। सिंपली यहाँ पर लिख देना बैटरी। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली बैटरी लिख के यहाँ पर कमेंट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका काम हो चुका है। अब जान लेते हैं कौन सी ट्रिक है और कैसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर देनी है। आपको सिंपली क्या करना है, एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके फ़ोन के अंदर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टोरेज भी यहाँ पर फिलहाल से हो रहा है और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये स्कैनिंग कर रहा है, हमारा फ़ोन फिलहाल स्कैन हो रहा है, तो आपको सिंपली 1 से 2 मिनट का वेट कर लेना है। फिर ये एप्लीकेशन है, 1-2 ऐड आएगा तो आपको इग्नोर कर देना है। इसको सिंपली आपको ऐसे कट कर देना है। दोस्तों कट करने के बाद यहाँ पर ये हमारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। आपको सिंपली क्या करना है, बैटरी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बैटरी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर अभी कितनी बैटरी है। तो यहाँ पर दिखा रहा है मेरे फ़ोन के अंदर 20% बैटरी है, 1% घट चुके हैं, 19% बैटरी है और 1 घंटा 30 मिनट ये अभी चलने वाली है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर नीचे का ध्यान से देखोगे, मेरे पास यहाँ पर 3 मोड अवेलेबल है। नॉर्मल मोड जिसमें ये 1 घंटा 30 मिनट चलने वाली है जैसे यहाँ पर दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर देता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ, तो यही 19% बैटरी 4 घंटे 45 मिनट चलने वाली है। लेकिन दोस्तों साथ में अगर मैं एक्सट्रीम पावर सेविंग मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये 19% बैटरी 12 घंटे 55 मिनट चलने वाली है, लगभग 13 घंटे, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरी 19% बैटरी है और मैं इसको 4 घंटे 45 मिनट तक चलाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अल्ट्रा पावर सेविंग पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या एक्टिवेट देखने के लिए मिल जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ये 0 से यहाँ पर 100% तक जाएगा और दोस्तों आपका काम हो जाएगा, 100% आपका काम होने वाला है। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ परमिशन मांगेगी, आपको सिंपली इसको परमिशन अलाउ करके बैक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऐड को कट कर देना है। जैसे ही आप ऐड को कट करोगे यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। मैंने यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखवा चुका है 4 घंटे 45 मिनट, जहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर लिखवा रहा था। और दोस्तों अगर मैं इसको एक्सट्रीम पावर सेविंग मोड पर क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं, लिमिट ब्राइटनेस अप टू 90%। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक एक्सेस टू मेमोरी एंड बैटरी ड्रेनिंग ऐप, इसमें बहुत सारी ऐसी सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी जिससे आपका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा तक बढ़ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ भी इसको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कूल डाउन का, जिससे आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं और वह ओवर हीटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट होता है। आपको सिंपली क्या करना है, कूल डाउन पर क्लिक करना है। और जैसे कूल डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन, जी हाँ दोस्तों, कभी भी हीट नहीं होगा जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर यूज भी करेंगे। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चार्जिंग पर लगाकर कभी भी अपने फ़ोन को यूज मत करना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।